पूर्व सीएम अखिलेश यादव को अमौसी एयरपोर्ट पर रोके जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के कचहरी चौराहे को किया जाम। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए सपाइयों ने कचहरी चौराहा को किया जाम। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलिस बल सपाइयों को समझा बुझा कर जाम खुलवाने में जुटा। चित्रकूट, दिनेश सिंह कुशवाहा। ये तो बहुत और भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद यहाँ खड़े हैं। अवगत कराना है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोग अपनी बात कहते हैं तो उन्हें रोका जाता है। और 12/2/2019 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी छात्र नौजवान बेहद आहत हुए हैं। सरकार के इस कृत्य की हम लोग घोर निंदा करते हैं। अतः हम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दी की सरकार नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे। अध्यक्ष जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन करके यहाँ क्या मांगे हैं आप लोगों के प्रशासन? कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुलिस के लोगों ने, जिस प्रकार के पुलिस के लोगों ने कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बर्ताव किया है, उस दुस्साहस के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोडों पर उतरा है और प्रदर्शन कर रहा है। अगर ये पुनरावृत्ति दोबारा हुई तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहेगा और इस आंदोलन को इतना उग्र करेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कुकृत्य जो कर रही है, कुकृत्य करने से भूल जाएगी। अध्यक्ष जी, आज किस तरह का प्रदर्शन करके आप लोगों ने किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने कार्यकर्ता के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे, उनको लखनऊ हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और उनको जो है गिरफ्तार करने का काम किया गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। इसके विरोध में आज सड़कों पे हम समाजवादी पार्टी के लोग विरोध जता करके इस सरकार को बताना चाहते हैं, इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इस तरह के अगर दोबारा इस तरह काम करने का काम किया किसी भी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पीछे तो कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है। अगर किसी तरह और भी किसी कार्यकर्ता के साथ ऐसा किया तो जेल भरने का काम करेंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे।